हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोज़ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक और लेजेंड यानी कि अलेक्जेंडर एलेखाइन की एक काफ़ी खूबसूरत गेम दिखाने वाला हूं। ये गेम उन्होंने 1930 में खेली थी अगेंस्ट मेंडेलेविक। इस गेम में अलेक्जेंडर एलेखाइन के व्हाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत d4 से की। एंड नाउ नाइट टू f6, c4, e6, नाइट c3 एंड बिशप b4 एंड निम्जो इंडियन डिफेंस e3, b6, क्वीन f3, रुक पे अटैक है सो नाइट टू c6 एंड नाउ बिशप टू d2, बिशप टू b7, क्वीन टू g3, g7 पोन पे अटैक किया है सो ब्लैक ने यहाँ पे कैसलिंग किया। एंड नाउ नाइट टू f3, नाइट टू e7। सो इस मूव से दोस्तों ब्लैक ने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिशप का वे जो है वो ओपन किया और दूसरी ओर ये सेम नाइट है वो माइट बी इन फ्यूचर f5 या तो फिर g6 पे ला सकते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर एलेखाइन ने बिशप d3 खेला और वो जो है अपना कैसल प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड नाउ a6 कैसलिंग शॉट, c5 डिटेक्स ऑन c5, बिशप कैप्चर्स ऑन c5 एंड नाउ नाइट टू e5। सो दोस्तों, अलेक्जेंडर एलेखाइन की गेम में आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है। फर्स्ट डेवलप योर पीसीस, देन आप अपने पीसीस को सेंट्रलाइज करो, उसके बाद अटैक करो और जीत जाओ। राइट, गेम में खेला गया बिशप टू d6 और इस पोजिशन में एलेखाइन जी ने जो है f4 खेला। इसके अलावा एक और पॉसिबल मूव थी, वो थी नाइट कैप्चर्स ऑन f7, जहाँ पे से बिशप कैप्चर्स g3, नाइट कैप्चर्स ऑन d8, बिशप कैप्चर्स ऑन d2, किंग कैप्चर्स d2 एंड रुक f कैप्चर्स ऑन d8। सो दोस्तों, इस पोजीशन में आप सोच रहे होगे कि क्या मिला एक्चुअली वाइट को। राइट, पोन भी जो है वो इक्वल है, बट अगर आप गौर से देखो तो वाइट के पास अभी बिशप पेयर है। एंड देन अब अगर आप पोन आइलैंड काउंट करो तो वाइट का जो पास है वो 2 पोन आइलैंड है, जबकि ब्लैक के पास 3 पोन आइलैंड है। तो चेस में पोन स्ट्रक्चर में जितने पोन आइलैंड ज़्यादा होते हैं उतना ही आपका पोन स्ट्रक्चर जो है वो वीक माना जाता है। सो 2 बिशप और साथ साथ जो है वो पोन स्ट्रक्चर जो है ब्लैक के पोन स्ट्रक्चर से काफ़ी अच्छा, सो डेफिनेटली ये पोजिशन जो है वो वाइट के लिए अच्छी है। बट एनी वेज, बिशप टू d6 के बाद एक्चुअली गेम में एलेखाइन जी ने f4 खेला। एंड नाउ रुक टू c8, रुक ए टू डी वन। सो जो है दोस्तों, रुक को सेंट्रलाइज किया और आपने रुक को कहाँ पे रखा है, जहाँ पे ब्लैक की क्वीन है। तो नॉर्मली ये जो है अच्छी स्ट्रेटजी होती है और हम आगे चलकर देखेंगे कि इसकी वजह से जो है वो कुछ कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो रहे थे। बिशप टू c5 गेम में खेला गया। एंड नाउ किंग टू h1। सो इनकेस आगे चल के हमें अपना बिशप मूव करना है या फिर पोन जो है मूव करना है, देन यहाँ पर वो पोन जो है पिन ना रहे। एंड नाउ नाइट टू f5। सो ब्लैक जो है वो यहाँ पर ये वीक पोन जो है वो उस पर अटैक कर रहा है। बट दोस्तों, वीकनेस जो होती है वो फिक्स हो तभी वो परमानेंट वीकनेस होती है। राइट, और इस पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि एलेखाइन जी जो है वो आगे चल के कभी ना कभी e4 खेल पाएंगे। सो ये वीकनेस जो है वो फिलहाल के लिए परमानेंट वीकनेस नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्वीन सेव की विथ क्वीन टू h3 एंड नाउ d6। और इस पोजीशन में दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर से आप यहाँ पे बिशप कैप्चर्स ऑन जो है f5 खेलते हो, देन पोन कैप्चर्स ऑन f5, और इसकी वजह से क्या होगा, अब आपका ये पोन है पोन ऑन e3 फर्स्ट ऑफ ऑल वो ओपन फाइल पे आ गया, दूसरी ओर उसके आगे का स्क्वेयर जो है वो भी कंट्रोल है ब्लैक के पीसीस के जरिए। दैट मीन्स वो पोन जो है रियल वीकनेस बन सकता है। सो कुछ भी एक्सचेंजेस करने से पहले अगर पोन स्ट्रक्चर में चेंज होता है देन आपको जो है काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए। एंड नाउ नाइट f5 के बाद एक्चुअली गेम में एलेखाइन जी ने खेला क्वीन टू h3 एंड नाउ d6, नाइट पे अटैक है अपॉन टू e4, और यहाँ पे ब्लैक ने जो है और नाइट टू h6 खेला। बट कुछ और मूव पॉसिबल थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे d कैप्चर्स ऑन e5 जो है वो पॉसिबल है, बट देन f कैप्चर्स ऑन e5 और आपको जो है दोनों नाइट अपनी सेव करनी है। सो से नाइट कैप्चर्स e4, बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन e4 के बाद आप खुद देख रहे हो कि वाइट के पीसेस जो है वो बेटर पोजिशन पर है। यहाँ पर बिशप जो है वो c3 पे जा सकता है, नाइट भी सेंट्रलाइज है, नाइट आगे चल के माइट भी इसी वक्त जो है g5 पे जाके h7 पे भी जो है कुछ प्रेशर दे सकती है और हम इजीली इस नाइट को जो है वो किक कर सकते हैं कभी ना कभी g4 खेल के। राइट, सो यहाँ पे पोजीशन जो है वो वाइट के लिए अच्छी हो रही है। सो e4 के बाद एक्चुअली गेम में खेला गया नाइट टू h6 एंड नाउ बिशप c2, ब्रिलियंट मूव। देखिए यहाँ पर जो है इस नाइट का सेक्रीफाइस दिया, और मैंने बोला था कि जब भी क्वीन के अगेंस्ट आप रुक रखते हो तो आगे चल के जो है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन खेलने का मौका मिलता है। और यहाँ पे अगर आपको पीस चाहिए देन पोन कैप्चर्स ऑन e5 खेलना पड़ेगा, और अब पोन कैप्चर्स ऑन e5 के बाद इस नाइट को जो है आपको d7 पे ही लेके जाना पड़ेगा, और कहीं पे भी खेलते हो देन प्रॉब्लम ये है कि बिशप कैप्चर्स ऑन h6, जिसकी वजह से दोस्तों एलेखाइन जी ने जो है अपना नाइट सेक्रीफाइस किया। तो अब उनका पोन जो है e5 पर मेंटेन होने वाला है, दूसरी ओर ब्लैक की नाइट जो है उसको d7 पे जाके पैसिव पोजीशन जो है
वो लेनी पड़ेगी। और थर्ड पॉइंट कि नाइट डी सेवन के बाद हम जो है बिशप कैप्चर h6 खेल सकते हैं, सो ब्लैक का किंग जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगा, राइट। सो नाइट डी सेवन फोर्स अप एंड नाउ बिशप कैप्चर्स ऑन h6, पोन कैप्चर्स ऑन h6 और क्वीन कैप्चर्स ऑन h6। और इस पोजीशन को दोस्तों गौर से देखिए तो गेम जो है दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। यहाँ से अगर हम एक लाइन खींचे तो वाइट जो है इजीली अपने पीसीस क्वीन साइड किंग साइड ले सकता है, बट दूसरी ओर ब्लैक के दोनों बिशप जो है वो कभी भी जो है किंग साइड जाके डिफेंस में नहीं आ सकते। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो है पीस सेक्रीफाइस वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड नाउ क्वीन टू e7। सो यहाँ पे एलेखन जी को क्या करना है, क्वीन g5 खेलना है, क्वीन f6 पे ले जाना है एंड देन रुक f3 एंड रुक g3 जो है वो काफ़ी डेंजर मूव है। सो इसीलिए यहाँ पे नाइट जो है वो ब्लैक का की डिफेंडर है। सो अब एक्शन सेक्रीफाइस दिया विथ रुक कैप्चर्स ऑन d7 एंड नाउ क्वीन कैप्चर्स ऑन d7, क्वीन g5 चेक, किंग h8, क्वीन f6 चेक एंड नाउ किंग g8। और देखिए इस पोजीशन में दोस्तों कि जहाँ पे एलेखन जी ने जो है एक सेक्रीफाइस पीस का दिया है एंड देन जो है एक्शन सेक्रीफाइस दिया है, सो पूरा रुक जो है वो डाउन है, बट उसके पास ड्रॉ जो है वो तो अवेलेबल ही है। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में हम जो है इस सेम पोजीशन रिपीट कर सकते हैं अगर कुछ आगे फाइंड नहीं कर पाते, तो ड्रॉ जो है वो हाथ में लेके चल रहे हैं। एंड नाउ रुक f3। सो अब एक ही मूव में जो है वो चेकमेट हो रही है रुक g3। सो ब्लैक ने खेला रुक f2 d8। सो उसका आइडिया है किंग f8 एंड किंग e7 पे जा सके। और इस पोजीशन में दोस्तों हम चाहे तो कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं विथ रुक g3 चेक एंड देन से किंग जो है वो f8 बट देन क्वीन टू h6 और अब किंग टू e7 के बाद सिंपली जो है क्वीन टू f6, राइट। सो ये ड्रॉ तो कभी भी हो सकती है। बट दोस्तों इस पोजीशन में एक दूसरा प्लान है, वो आपको सोचना है और बताना है कि वर्क करेगा कि नहीं। सो वो प्लान है दोस्तों क्वीन टू h6। सो पॉइंट ये है कि अब मुझे जो है वो रुक टू g3 खेलना है। बट आप वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या ये प्लान सही में वर्क कर रहा है कि यहाँ पे ब्लैक के पास जो है कोई अच्छा डिफेंस है। रेडी दोस्तों, यहाँ पे ब्लैक का डिफेंस है वो वाइट की बैक क्रैंक, राइट, जिसकी वजह से वो जो है वो बिशप कैप्चर्स ऑन e4 खेल सकता है। और अब अगर रुक g3 आता है देन बिशप g6, और यहाँ पे अगर आप नाइट या बिशप किसी से भी कैप्चर करते हो देन प्रॉब्लम ये है कि क्वीन टू d1 आ सकता है और ब्लैक जो है खुद क्वीन सेक्रीफाइस देके वाइट की चेकमेट कर सकता है। सो इसीलिए फिलहाल के लिए जो है ये पॉसिबल ही नहीं कि हम क्वीन h6 खेल के रुक g3 की चेकमेट प्लान करें। सो यहाँ पे एलेखन जी ने खेला नाइट टू d5। देखिए वो ड्रॉ तो कभी भी कर सकते थे बट उनका कहना है ये दिल मांगे मोर। सो अभी उन्होंने क्या किया दोस्तों, नाइट से है e7 स्क्वायर को गार्ड किया, उनकी थ्रेट है अब रुक g3 चेक एंड देन किंग f8 एंड क्वीन h8 जो है वो मेट हो रही है। सो अब यहाँ पे वीडियो पॉज करके सोचिए कि ब्लैक को इस नाइट को किस तरह से कैप्चर करना चाहिए। उसके पास दो ऑप्शन है, पोन से एंड बिशप से। गेम में ब्लैक ने खेला बिशप कैप्चर्स ऑन d5 और गेम की दोस्तों सबसे बड़ी मिस्टेक है, राइट। एक्चुअली अब ब्लैक को वहाँ पे खेलना चाहिए पोन कैप्चर्स ऑन d5 और जहाँ पे गेम जो है वो इक्वल है। वाइट चाहे तो यहाँ पे गेम को जो है तभी भी ड्रॉ कर सकता है रुक g3 एंड देन क्वीन h6 एंड क्वीन टू f6 चेक के जरिए, और या फिर वो जो है कुछ और खेल सकता है लाइक पोन कैप्चर्स ऑन d5। और अब ब्लैक के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो जो है यहाँ पे अपने बिशप का सेक्रीफाइस दे दे ऑन d5। अगर ब्लैक कुछ और खेलना चाहता है से जो है पोन टू b5, बट देन गेम जो है वो और हो जाएगी सिंपली क्वीन टू h6 और अब जो है रुक टू g3 लुक्स अनस्टॉपेबल, राइट। सो यहाँ पे वाइट विन हो रहा है। बट एनीवेज गेम में चलते हैं जहाँ पे नाइट टू d5 के बाद ब्लैक ने एक्चुअली खेला बिशप कैप्चर्स ऑन d5 एंड नाउ पोन कैप्चर्स ऑन d5 और अब वाइट की सीधी साधी थ्रेट है दोस्तों क्वीन h6 एंड रुक टू g3। सो गेम में खेला गया पोन टू b5 और वीडियो को पॉज करके सोचिए क्या हम अब जो है क्वीन h6 खेल सकते हैं जिसमें विन हो जाए। ऑफकोर्स दोस्तों ये मूव जो है वो पॉसिबल है, राइट। नेक्स्ट मूव में ही जो हम जो है रुक g3 खेलना चाहेंगे और यहाँ पे लग नहीं रहा कि जो है ब्लैक चेकमेट सेव कर सकता है। ऑफकोर्स ब्लैक जो है बिशप f2 खेल के कुछ मूव तक उसको डिले कर सकता है, बट देन हमारे पास है क्वीन कैप्चर्स ऑन h7, किंग f8 एंड नाउ सिंपली बिशप टू g6, राइट। सो अभी थ्रेट है रुक कैप्चर्स ऑन जैसे f7 और यहाँ पे देखिए दोस्तों गेम जो है वो सेव नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खेलते हो पोन कैप्चर्स ऑन c4 या फिर इवन जो है रुक कैप्चर्स ऑन c4 बट देन रुक कैप्चर्स ऑन f7 चेक एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन f7 के बाद क्वीन कैप्चर्स f7 जो है मेट हो रही है। बट b5 के बाद एलेखन जी ने जो है वो दूसरी तरह से चेकमेट फाइंड की और उन्होंने खेला दोस्तों बिशप कैप्चर्स ऑन h7। उनका पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे कैप्चर करते हो ऑन h7 देन रुक h3, किंग g8 एंड रुक h8 जो है वो मेट हो रही है। सो बिशप कैप्चर्स ऑन h7 के बाद एक्चुअली ब्लैक ने खेला किंग f8 एंड नाउ क्वीन टू h8 चेक, किंग टू e7। और दोस्तों अब वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए आप किस तरह से ब्लैक के किंग की फोर मूव्स के अंदर चेकमेट कर सकते हो। रेडी
दोस्तों इस पोजीशन में एलेकजी ने अपना रुक भी सेक्रीफाइस कर दिया, रुक टैक्स ऑन f7, किंग टैक्स ऑन f7 एंड नाउ क्वीन टू f6 चेक, किंग टू e8 ओनली मूव एंड नाउ बिशप टू g6 के बाद एक्चुअली अब ब्लैक ने जो है रिजाइन कर दिया, क्योंकि ओनली लीगल मूव है चेक सेव करने की वो है क्वीन टू f7 एंड देन क्वीन कैप्चर्स f7 जो है वो चेकमेट हो रही है। सो दोस्तों कैसी लगी आपको अलेक्जेंडर एलेकजी की ये गेम और आज का ये वीडियो? आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।